जो पार्टी, हम तो यूथ हैं तो जो पार्टी यूथ के बारे में सोचेगी, जो उनका भला करेगी, हम तो उन्हीं को देंगे। ये मैं तो यूथ हूँ, मैं तो खुद कमा के खाने में विश्वास रखता हूँ, फ्री की चीज़ में भरोसा रखता नहीं। आप हमें क्या खरीदना चाह रहे हो, हम भी यूथ हैं यार, कमा के खा सकता हूँ। पार्टी आती जाती रहेगी, मेन है देश चलना चाहिए, लालच से वोट कमाना चाह रही है ना कि किसी के लिए काम करके। मैं उसी पार्टी को इस बार सपोर्ट करूंगा 22 में, जो युवाओं को एक रोजगार दे। वो चाहता है कि जो अगली सरकार आए, जिस सरकार को हम चुने, वो युवाओं के पक्ष में काम करे। जो 300 यूनिट बिजली और पानी की बातें हो रही है, पहले युवाओं को रोजगार चाहिए। हमें बिजली पानी से हम खुद पैसा दे सकते हैं, हम सक्षम है। 300 यूनिट बिजली नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, जो हम अपना भविष्य सक्षम कर सके। 5 साल आपकी सरकार आएगी, आपने 300 यूनिट फ्री कर दिया, अगली सरकार आएगी 300 यूनिट माफ नहीं करा, पैसा कहाँ से देंगे फिर हम? तो आप ये हमें आदत ना बनाइए, हम सक्षम है अपना खर्चा उठाने में, अपना परिवार का पालन पोषण करने में, पर आप हमें रोजगार तो दीजिए। क्योंकि अगर युवा बेरोजगार होगा तो हमारा कभी देश या उत्तराखंड हमारा कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। कम से कम 10-11 साल से कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं हुए स्टेट लेवल पे उत्तराखंड में। एजुकेशन यहाँ पे है नहीं, सरकारी स्कूलों में सब प्राइवेट में जा रहे हैं, प्राइवेट की फीस कितनी महंगी है, एक आम आदमी उसका खर्चा उठा नहीं सकता। ध्यान में रख के वोट दूंगा कि जो भी अगली सरकार आए वो युवा में ज्यादा ध्यान दे। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों की बिसातें बिछ चुकी हैं और बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, यूकेडी, सपा, बसपा समेत तमाम राजनीतिक दल चुनावी समर में ताल ठोकने को तैयार हैं। हर दल के अपने वादे और एजेंडे हैं। किसी ने फ्री बिजली देने का वादा किया है, कोई हिंदुत्व की बात कर रहा है, बीजेपी को 5 सालों का हिसाब देना है, तो अब तक विपक्ष में बैठी कांग्रेस को इस बार जनता का आशीर्वाद मिलने की उम्मीद है। हर राजनीतिक दल जातीय, क्षेत्रीय और धार्मिक आधार पर वोटरों का लेखा जोखा जुटा रहा है, खासकर युवाओं के वोट बैंक पर सबकी नजरें हैं। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प हो जाता है कि इस बार युवा वोटर क्या सोच रहा है। आज हम आपको उत्तराखंड के ऐसे युवाओं के मन की बात सुना रहे हैं जो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पहली मर्तबा वोट देने जा रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहना है देवभूमि के युवाओं का। नमस्कार दोस्तों, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं विवेक रावत। उत्तराखंड में होने वाले 2022 में विधानसभा चुनाव है, जो युवा है जो पहली बार अपना वोट देंगे और सरकार बनाएंगे उत्तराखंड में, आज हम उनके पास जाएंगे, उनसे पूछेंगे उनकी क्या मानसिकता और क्या विचारधारा है, किस विचारधारा से वो अपना 2022 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में वोट देंगे। जी, जैसे 2022 में होने वाले उत्तराखंड विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप पहली बार वोट देने जाएंगे, एज अ यूथ आप रिप्रेजेंट करेंगे जी, तो क्या आपकी मानसिकता है, किस पार्टी की तरफ आपका ज़्यादा रुझान है? देखिए, जो पार्टी, हम तो यूथ हैं तो जो पार्टी यूथ के बारे में सोचेगी, जो उनका भला करेगी, हम तो उन्हीं को देंगे। अभी तो खैर सबने डिक्लेयर नहीं किया है ये यूथ के लिए क्या क्या करेंगे, अभी ऐसा कोई इन लोगों ने बाइट नहीं दिए या इन लोगों ने, इनके किसी प्रवक्ता ने ये नहीं बोला है कि क्या ये यूथ के लिए करने वाले, तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते हम किसको। ये कंडल कोटियाल जी बिजली फ्री कर रहे हैं, तो आप एक बताइए, मैं तो यूथ हूँ, मैं तो खुद कमा के खाने में विश्वास रखता हूँ, फ्री की चीज़ में भरोसा रखता नहीं, कि फ्री की चीज़ कब तक चलेगी और कहाँ तक चलेगी। 300 यूनिट फ्री बिजली की बात की, मतलब आप खरीदना चाह रहे हो कि हमारा ईमान बस इतना सा रह गया कि 300 यूनिट बिजली का रह गया, आप हमें क्या खरीदना चाह रहे हो? हम भी यूथ हैं यार, कमा के खा सकता हूँ। ये जरूरी नहीं है कि आप 300 यूनिट देने की बात करें, मैं भिखारी हो रखा है यार, मेरे घर में कुछ नहीं है, कि 300 यूनिट फ्री दे दी आपने, मैंने ले ली। और सेकंड बात, जैसा भाई ने बोला कि बिजली आप कर दोगे, बिजली आप हमें 300 यूनिट फ्री दे दोगे, क्या हमें ही दोगे उत्तराखंड में, बाकी किसी को नहीं दोगे? उत्तराखंड में कई जगह ऐसी है, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, कई पहाड़ ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं, बट आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे इन्होंने बोला यूनिट फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, तो आप ये बताइए ना, वहां तक साधन क्या है आपका पहुंचाने का? कोई साधन भी तो होना चाहिए पहुंचाने का। बादल फट जाते हैं कई बार, कई सिचुएशन आ जाती है, लैंडस्लाइड हो जाती है, जो पोल बिजली के होते हैं वो गिर जाते हैं, तो ऐसा नहीं। और फ्री का लालच तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी यूथ लेना चाहेगा, आप भी शायद, आप खुद बताइए, आप ले लोगे फ्री में, आपको कोई कुछ दे रहा होगा? पार्टी तो देखो मान्य रखती है, क्योंकि पार्टी आती जाती रहेगी, मेन है देश चलना चाहिए, क्योंकि जो हम देश के लिए भी सोचेंगे और यूथ के लिए भी, क्योंकि जो काम पार्टी यूथ के लिए काम करेगी, हमारा वोट उसी को ही होगा। तो जैसे कि आम आदमी पार्टी अपना नया प्रस्ताव लेके आई है कि वो सब यूथ के लिए काम करेगी, उत्तराखंड की जनता को 300 यूनिट बिजली फ्री देगी, क्या आपका मानना है कि किस तरीके से आप ये सोचेंगे, इसको लेके चलेंगे? देखिए, एक आम आदमी पार्टी अभी एक स्टेट में थी, अब वो यहाँ उत्तराखंड में फर्स्ट टाइम आ रही है, तो इनमें ये 300 यूनिट बिजली फ्री मुफ्त देने का ये जो लालच है, ये उत्तराखंड में कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि ये लालच से वोट कमाना चाह रही है ना कि किसी के लिए काम करके, ये अभी तो लालच है। अभी अगर ये कर भी देती है तो इसका पैसा जो होगा वो उत्तराखंड के लोगों से ही वसूला जाएगा। देखो, सबसे पहले तो सर मैं ये कहना चाहूँगा, जो 2022 में अभी विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो मैं छात्र संघ पिछले 5-6 वर्षों से हम यहाँ DAV महाविद्यालय में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और मैं सबसे पहले तो मैं उस सरकार को
मतलब अपना समर्थन 2022 में दूंगा, जो इस बार छात्र संघ चुनाव को कराने में अहम भूमिका निभाएगी। और जहां आपकी बात रही कि आम आदमी पार्टी, देखो आम आदमी पार्टी अभी उत्तराखंड की, मतलब अभी क्या है, इन्होंने पहली बार पहल की है, अभी उनको उत्तराखंड की बहुत सारी समस्याओं को जानना पड़ेगा कि यहाँ पे वास्तविकता किन चीज़ों की कमी है, वो चाहे शिक्षा से लेकर हो, स्वास्थ्य से लेकर हो और रोजगार से लेकर हो। तीन जो अहम मुद्दे हैं इस टाइम, जो मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी सरकार मतलब बनने वाली है उसको तीन मुद्दे बहुत अहम होते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी सरकार 2022 में फतह करने वाली है वो इन मुद्दों पे, इन मुद्दों को अपना क्या चुनावी मुद्दा बनाए और इन्हीं मुद्दों पे कायम रहे। तो आपको अगर वोट देने जाएंगे तो आप किस पार्टी को अपनी देंगे? देखो अभी वैसे मैं व्यक्तिगत राजनीतिक दौर से मैं अभी किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ, पर जहाँ तक मुझे लगता है मैं उसी पार्टी को इस बार सपोर्ट करूंगा 22 में, जो युवाओं को एक रोजगार दे, क्योंकि रोजगार अहम हिस्सा है, क्योंकि रोजगार अगर हमारे पास होगी तो हमारे पास शिक्षा और स्वास्थ्य जो दो कुछ समस्या है, जन्मित समस्या है, वो ऑटोमेटिक आपकी सॉल्व हो सकती है। सर जैसा कि आप सभी को पता है इस टाइम सत्ता में भाजपा सरकार है और इस समय जो युवाओं के बीच सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें हैं वो है बेरोजगारी। जो सबसे ज़्यादा दिक्कत जिस टाइम युवाओं को है, बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, सरकारों ने बच्चों को प्रमोट कर दिए हैं, एग्ज़ाम हो रही है पर जॉब नहीं आ रही हैं, बेरोजगार हो रहे हैं, परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, जो सबसे ज़्यादा आलम है इस टाइम बेरोजगारी है। ग्रेजुएशन कर रहा है आदमी, पीएचडी कर रहा है, वो 10-12 हज़ार रुपये की जॉब कर रहा है। तो जो युवाओं में सबसे ज़्यादा आक्रोश है वो है बेरोजगारी का, क्योंकि नई नई जॉबें वगैरह नहीं आ पा रही हैं। ठीक है, बच्चा ग्रेजुएट तो हो रहा है, 12th तो पास हो रहा है पर उनको कोर्स नहीं मिल पा रहे हैं, सीटें बहुत कम हैं, शिक्षा प्रणाली हमारी ध्वस्त हो चुकी है कोरोना की वजह से। और आप सभी देख रहे हैं कोरोना की वजह से जिस अभी तक महाविद्यालयों में एग्ज़ाम हो जाना चाहिए था फर्स्ट सेमेस्टर के, वो अभी तक अंधकार में है कि फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा होंगी या नहीं होंगी, तो बच्चों के बीच बहुत कन्फ्यूज़न है। तो जो युवा इस टाइम, जो मेरे जैसे युवा जो सोचता है, वो चाहता है कि जो अगली सरकार आए, जिस सरकार को हम चुने, वो युवाओं के पक्ष में काम करें। और वो पक्ष केवल ये नहीं कि हम आपको सरकार बनाने के बाद जिम्मेदारी दे दें तो आप सोचें, जो अपनी नीतियाँ हमें दिखाएगा कि युवाओं के लिए हमारी ये नीति है, हम छात्रों के लिए ये कर रहे हैं, हमारा समर्थन पूरा युवाओं को उसमें रहेगा। जिस पर मेरा एक और प्रश्न है आपसे, कहीं ना कहीं जैसे आपने देखा होगा कर्नल कोठियाल जी अपनी आम आदमी पार्टी को लेकर पहली बार उत्तराखंड में चुनाव करने जा रहे हैं, जिस तरीके से उनका प्रस्ताव है 300 यूनिट बिजली फ्री देने का युवाओं के लिए कुछ करने के लिए, इसमें आपकी क्या विचारधारा है? सर जो 300 यूनिट बिजली और पानी की बातें हो रही है, पहले युवाओं को रोजगार चाहिए, रोजगार के लिए उन्होंने क्या पहल करी? उन्होंने अपना खुद तो अप्लाई कर दिया कि भाई मेरी जॉब लग गई। अरे सर आप रिटायर थे इसलिए आपको जॉब लग गई, पर जो युवा है जो रिटायर भी नहीं हो उनको कैसे मिलेगी? उसके लिए तो 8-12 हज़ार रुपये वाली जॉब भी बहुत ज़्यादा है, आप वो तो दिलाइए। आप जो एक पोस्ट थी उसके लिए भी आप रिटायर फौजियों को डाल रहे हैं, जो खुद जिनकी पेंशन बन रही है, जो युवा बेरोजगार पढ़ के बाहर घूम रहा है उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मेरी जॉब लग गई, अरे आपकी लगने से क्या, आपको तो पेंशन आ रही है, आपको तो यूथ फाउंडेशन चल रहा है, इतना पैसा आ रहा है। जो युवा बेरोजगार है उनके लिए क्या करा आपने? आप उनके लिए करिए, हमें बिजली पानी से हम खुद पैसा दे सकते हैं, हम सक्षम है। आप जब हम अपना खुद कमाएंगे तो हम देने में सक्षम है, जब हम रोड का टैक्स दे सकते हैं, जब हम पानी का बिल दे सकते हैं, हर चीज़ दे सकते हैं, तो हम क्यों नहीं दे सकते? जब हम इतना महंगा पेट्रोल बना सकते, जो मेन मुद्दे हैं उनके लिए तो आप बोल नहीं रहे, सिर्फ 300 यूनिट का जुमला दे रहे हैं कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। हमें 300 यूनिट बिजली नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए, जो हम अपना भविष्य सक्षम कर सकें। 5 साल आपकी सरकार आएगी, आपने 300 यूनिट फ्री कर दिया, अगली सरकार आएगी 300 यूनिट माफ नहीं करा, पैसा कहाँ से देंगे फिर हम? तो आप ये हमें आदत ना बनाइए, हम सक्षम है अपना खर्चा उठाने में, अपना परिवार का पालन पोषण करने में, पर आप हमें रोजगार तो दीजिए। हमारा ये कहना है पार्टी कोई भी हो जो युवाओं के लिए काम करे। आपको पता है इस टाइम कैसे कैसे चल रहा है, लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, लाखों रुपए अपनी पढ़ाई में बर्बाद करते हैं और उसके बाद भी युवा बेरोजगार है। बीटेक की डिग्री, इंजीनियर की डिग्री, सिविल इंजीनियर की डिग्री लोगों के पास है और लोग बेरोजगार हैं, 8-10 हज़ार की नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो इतना परेशान है युवा हर जगह, मतलब सिर्फ नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी तो एक हिसाब से ऐसी हो गई है कि इंसान सिर्फ सपने में सोच सकता है, पर हकीकत तो ऐसी है कि कुछ मतलब कुछ नहीं है। यही है कि जो युवाओं के लिए काम करे, युवाओं के लिए सोचे, पहला मुद्दा तो यही है युवा, क्योंकि अगर युवा बेरोजगार होगा तो हमारा कभी देश या उत्तराखंड हमारा कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। पहली चीज़ ये है कि वही बहुत सी चीज़ें हैं, मुद्दे हैं कि युवा जब तक आगे बढ़ेगा, रोजगार चाहिए युवा को, पैसा चाहिए, बहुत सी चीज़ें हैं कि इंसान कर नहीं सकता। अब पेट्रोल 100-101 रुपये लीटर है, अब जो बेरोजगार आदमी है वो कैसे डलवाएगा तेल,
सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। पहली बात तो मेरी मानसिक धारा ये है कि जॉब गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं, क्योंकि जो अभी की सरकार है बीच पे इन्होंने बिल्कुल जॉब नहीं निकालते, मतलब लास्ट में इन्होंने जॉब निकाली है जैसे चुनाव पास आ रहे हैं। तो मैं यही ध्यान में रख के वोट दूंगा कि जो भी अगली सरकार आए वो युवा में ज़्यादा ध्यान दे, जॉब के लिए निकाले और उसकी व्यवस्था करे ठीक से। जैसे हमने देखा है कि यहाँ से पिछले 5 साल में राज्य में बीजेपी का राज रहा है, काफ़ी चीज़ें लोग जैसे कहते हैं कि इनके पक्ष में हुई है, बहुत चीज़ें बहुत लोग इसका अपोज भी करते हैं कि नहीं हुई है। ऐसा यूथ अगर मैं कहूँ तो देखिए यहाँ पे जैसे कि मोदी जी ने वादे किए थे कि बहुत सारी इंडस्ट्री सेटअप होंगी, यूथ को काफ़ी वो आगे रोजगार के मौके मिलेंगे, पर जैसे कि आप सभी जानते हैं बीच में 2020 में जो ये कोरोना की लहर आई है उस वजह से सारी जल जीवन हर चीज़ बहुत ही मतलब देश की इकोनॉमी और हर सेक्टर में अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रभाव पड़ा है, देश की इकोनॉमी काफ़ी पीछे चल रही है, तो उतना सरकार पर भी फंड नहीं है क्योंकि जो ये अनएक्सपेक्टेड कोविड की लहर थी उस वजह से काफ़ी देश पर प्रभाव पड़ा है। तो अभी हम एक बार फिर से मेरे हिसाब से हमें सरकार पर भरोसा करके देखना चाहिए कि मोदी जी ने आज तक जो भी देश के हित में करा है, आज पूरा विश्व मोदी जी को जानता है, भारत का हर जगह नाम है, काफ़ी जगह आप देख सकते हैं कि अभी एक जो पोल हुआ था उसमें जो प्रधानमंत्रियों की लिस्ट थी उसमें टॉप पे उनका नाम आया है। तो अगर पूरी दुनिया उन पर भरोसा कर रही है तो हमें भी एक बार फिर से करना चाहिए। जी मेनली उत्तराखंड में 2 पार्टी रही है अभी तक, कांग्रेस और बीजेपी, अभी न्यू आम आदमी पार्टी भी आ चुकी है। अब आम आदमी पार्टी का पहले तो आम आदमी पार्टी बात कर ले, वो कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, बाकी तो नॉर्मल कुछ बोल नहीं रहे, वैसे और कुछ उनका मुद्दा दिख नहीं रहा। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में वो बिजली दे नहीं पाते तो उत्तराखंड के लोग शायद उन पर भरोसा करेंगे। अब बच्ची हमारी कांग्रेस और बीजेपी, और कांग्रेस की पहली बात है आइडियोलॉजी समझ नहीं आती ना, तो वो कहती है कि हम सेंटर पार्टी है, हम लेफ्ट नहीं है, हम राइट नहीं है, बट सेंटर में अगर आप सेंटर तो आप ये तो आप एक माइनॉरिटी के लिए लड़ते हो, आप बाकी और किसी धर्म को देखते नहीं, आप सिर्फ माइनॉरिटी की बातें करते हो। दूसरी चीज़ आती है आपका मेन होना तरक्की पे, आप विकास करना चाहते हो, पर कांग्रेस विकास भी नहीं कर पाती तो कांग्रेस यहाँ पे पीछे रह जाती है। अब बीजेपी आती है, बीजेपी काफ़ी राइट विंग होकर चलती है जिसमें वो हिंदुत्व की बातें करती है, बाकी चीज़ों की बातें करती है, काम कर थोड़ा बहुत कर रही, बाकी आप देख ही रहे हो, और महंगाई तो बीजेपी ने बढ़ा ही रखी है। तो फिर भी बीजेपी के ज़्यादा चांसेस है क्योंकि उन पर बोलने के लिए है बहुत कुछ, और कांग्रेस का सिर्फ ये है कि बीजेपी गलत कर रही पर वो ये नहीं बता रही कि ठीक कैसे कर सकते हैं, बस वो बोलती है कि ये गलत कर रही, पर तुम ये तो बताओ तुम क्या कर सकते हो उसके बदले। तो कहीं ना कहीं आपकी मानसिकता देखी जा सकती है कि बीजेपी की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि आप कह रहे हैं बीजेपी आएंगी, तो जिस हिसाब से बीजेपी ने 5 साल उत्तराखंड में अब होने वाले हैं, इन्हें आपको क्या लगता है ये कुछ करा है बीजेपी ने? बीजेपी ने 5 साल पे कुछ ऐसा देखा जाए कुछ नहीं करा। एक तो इन्होंने इतने सारे मुख्यमंत्री बदले, इनको खुद इनके अपने नेता पर भरोसा नहीं रहता। फिर भी कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए, जैसे पहले कांग्रेस की थी और अभी बीजेपी की सरकार थी, हरीश रावत थे पहले हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने मतलब जैसा था अभी भी वैसी है, बाकी ना कोई गवर्नमेंट जॉब आ रही है, कम से कम 10-11 साल से कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम नहीं हुए स्टेट लेवल पे उत्तराखंड में, बाकी जो सेंट्रल पे होते हैं, बाकी यहाँ पे जो रोडें वगैरह बन रही है सब सेंटर के उससे काम हो रहा है, उत्तराखंड का अपना कुछ नहीं हो रहा है, मतलब जैसा चल रहा था वो चल रहा है। बाकी बात ये है कि अब हमारे एरिया में कौन वो खड़ा होगा विधानसभा से, कांग्रेस से बीजेपी में, मैं वो भी देखना चाहूँगा। आप एक युवा हैं, आप पहली बार वोट दे रहे हैं, क्या क्या अगर आप वोट देंगे तो क्या क्या आपकी मांगे रहेंगी अपने विधायक या आपकी पार्टी से भी आप वोट देंगे, कुछ आपकी जो मांगे रहेंगी एज अ युवा क्या रहेंगी? मेरी क्या, हर इस भारत में हर एक उसकी मांगे की पहली बात है कि हमारा एक डेवलपिंग कंट्री है, यहाँ पे लोग इतना अमीर है नहीं। एक तो यहाँ की महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बीजेपी में कोई कांग्रेस भी ये मुद्दा उठाती नहीं कि महंगाई, इनका अलग ही मुद्दा उठाएगी कि जो काम बीजेपी ने सही कर रखी है उनको पकड़ेगी, जो खराब है उनको ये पूछती नहीं, ये वहाँ चली जाएगी कि बीजेपी ने वहाँ से 35A हटा रखा, CA, इन सब पे कांग्रेस बोलना शुरू कर देगी। पर देखिए कि महंगाई है, तेल देखिए 200 रुपये लीटर जा रहा है, पेट्रोल 100 के पार जा रहा है, दाल 100-120 रुपये, ये सब जा रही है। तो मेन हमें वहाँ भी तो अपने घर का भी देखना है। उसके बाद एजुकेशन, यहाँ पे आप जाके पहाड़ साइड में स्कूल में जा लीजिए, वहाँ पे मुश्किल से 5 या 10 बच्चे दिखेंगे, एजुकेशन यहाँ पे है नहीं सरकारी स्कूलों में, सब प्राइवेट में जा रहे हैं, प्राइवेट की फीस इतनी महंगी है एक आम आदमी उसका खर्चा उठा नहीं सकता, ठीक है। पहली बात तो इनको एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी चाहिए, भले गवर्नमेंट सेक्टर में कम है पर प्राइवेट सेक्टर में भी निकालनी चाहिए। कहीं ना कहीं आपने देखा युवाओं का जो रुझान है इस बारी जॉब को लेके, महंगाई को लेके है, बढ़ती हुई महंगाई भी कहीं ना कहीं एक कारण है जो यहाँ पे युवा जो उत्तराखंड के बता रहे हैं, और मेरा मानना तो यह है कि जो भी सरकार आए वो युवाओं के लिए ज़्यादा काम करे।
कहीं ना कहीं आपने देखा और सुना क्या यहाँ का युवा चाहता है, अपना मुख्यमंत्री किसको चाहता है, ये कहना फिलहाल अभी कठिन होगा कि कौन मुख्यमंत्री आएंगे। पर देखा जाता है कि युवा काफ़ी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा उत्साहित दिख रहे हैं आने वाले चुनाव के लिए। इसी तरह की खबरें सुनने और देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल जय भारत टीवी से। इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं आज आपसे विदा लेता हूँ। संवाददाता विवेक रावत, कैमरामैन सक्षम के साथ, जय भारत टीवी।